Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mocks and MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for a SNAP 2024 exam, because in this video I'm going to discuss top 100 spelling errors for SNAP. So guys, ये वीडियो स्टार्टिंग से पूरा देखना, बिकॉज स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन देखने में इजी लगते हैं. आपको लगता है कि आपको स्पेलिंग आती है, बट जब चार ऑप्शन होते हैं काफी क्लोज, उस टाइम पे अपने आप कंफ्यूज जाते हो आप, ठीक है. और एंड ऑफ द वीडियो के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी लिए मैंने, तो वीडियो एंड तक पूरा देखिएगा. बाकी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो करिएगा, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस ये कुछ टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स हैं, इनको ज्वाइन कर लीजिएगा. इन सबका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. प्लस स्नैप का 6,000 प्लस मेंबर्स ग्रुप है, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलता रहेगा, क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं, ज्वाइन करिएगा. चलो गाइस, तो गैस राइट लेफ्ट साइड में आपको करेक्ट स्पेलिंग मिलेगी, एंड राइट साइड में एग्जाम्पल दिया जा रहा है मिस स्पेलिंग का, कि गलत कैसे आ सकता है. अब जैसे पहला है एकोमोडेट, तो ये एक्चुअल स्पेलिंग है, ठीक है. बट इसी तरह के अगर चार ऑप्शन दे दिए जाए आपको थोड़ा बहुत चेंज करके, तो आप कंफ्यूज जाओगे वहां पे, मे बी, ठीक है. तो ये ऐसा दिया जा सकता है, तो ये रॉन्ग है, ये सही है, ठीक है. तो गैस एक बार इनको रीड करना और माइंड में रखना. मैक्सिमम वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको पता होंगे, बट कंफ्यूजन वाली बात होती है. इफ यू कैन ऐड हो AFICIUN, यहाँ पे CIAN है, तो ये सही है. एमेच्योर, ये ऐसे आ सकता है. अपेरेंट, एक्वायर, आर्ग्यूमेंट, ARGU होता है, EU ई नहीं होता है, ठीक है, ये सही है. आर्कटिक, एथीस्ट, EI होता है, धोखे से भी आई मत कर देना, ठीक है. बिलीव, डिजायर, देखो यहाँ पे ये डबल जेड दिया हुआ है, यहाँ पे डबल आर है, ध्यान देना, काफी लोग इसको भी सही मान सकते हैं जल्दीबाजी में, बट याद रखना इसमें डबल आ रहा है. कैलेंडर, कैरेबियन, देखो डबल बी है बट यहाँ पे डबल आर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट है. सेमेट्री, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है. चीफ, ये तो खैर इजी है, कुछ चीजें तो काफी इजी है. कलेक्टेबल, टेबल, TIBLE, कलीग, कॉलमनिस्ट, कमिटेड, कमिटी. कमिटी इजी है, काफी कॉमन है, बट स्टिल कंफ्यूजन में भी हो जाए. डबल टी डबल एम दोनों है, यहाँ पे सिर्फ टी है, ठीक है, ध्यान देना. कॉन्सेंसस, डेफिनेटली, डेलेमा, ठीक है. डिसअपॉइंटमेंट, एम्बेरेस्ड, डबल आर डबल एस, ठीक है. तो जल्दीबाजी में गलती भी हो सकती है, एक ही हो गई है. एम्बेरेस, एनवायरमेंट, एक्सेलरेट, फैक्सिनेट, फ्लोरोसेंट, FLUORE, ठीक है, ध्यान देना. फॉरेन, TINIE में. तो गैस इसको कैसे आप पढ़ोगे, इसको पॉज करके देखो भी एक बार, क्योंकि तो यहाँ पे मेन विजुअल वाला गेम है कि आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए, ठीक है. 40, फ्रेंड, इजी है. गॉज, गवर्नमेंट, ग्रेटफुल, GRATE, ये नहीं है, गलत है, ठीक है, ध्यान देना. हैपेंड, हैरेस, हॉर्स डेविड, ये सही है, ये गलत है. ह्यूमरस, इमीडिएटली, इंडिपेंडेंट, SIL, ये गलत है. जूलरी, डबल एल, ठीक है. अब गैस इसमें एक्चुअली दोनों ही सही है, जनरली हम लोग ये यूज करते हैं, या में थोड़ा देख लेना इसको, जनरली हम लोग ये यूज करते हैं, बट ये आई गेस अमेरिकन या ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस है. एक्चुअली में दोनों सही है, कोई एक इसमें से अमेरिकन इंग्लिश का है, कोई एक ब्रिटिश इंग्लिश का, ऐसा कुछ है, ठीक है. बट हम लोग जनरली कौन से यूज करते हैं, हम लोग ये यूज करते हैं जनरली, ठीक है. नॉलेज, ये सही है. लाइजन, ये सही है, ये ध्यान देना, इसको इंपॉर्टेंट है ये. तो इस पेज में कौन से इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा तो नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. लेजर, लाइटनिंग, अब लाइटनिंग ये सही है, धोखे से भी ई एंड मत कर देना, काफी लोग करके आ सकते हैं. लूज एंड लूज, ये दो मीनिंग ही अलग है, ये तो आप कोई मैच लूज कर गए, कोई गेम लूज कर गए. और एल डबल ओ क्या होता है, कोई चीज अपोजिट ऑफ टाइट, वो होता है लूज, ठीक है. तो है दोनों सही, बट लोग इंटरचेंज कर देते हैं इसको. मेंटेनेंस, बहुत कॉमन वर्ड है, बट जल्दीबाजी में लोग गलत कर देते हैं, ठीक है, TA कर देते हैं, TE. मैनेवर, ये सही है, इसकी स्पेलिंग याद रखना, MANOEU, OEUVRE, ठीक है, स्पेलिंग तरह से भी गलत नहीं होनी चाहिए. मेडिवल, मिलेनियम, यहाँ पे क्या है, डबल एन डबल एन, डबल एल और डबल एन दोनों है. मिनिएचर, मिस्चीवियस,
ध्यान देना, एच आई ई ना कि ई खाली, ठीक है। मिस स्पेल MISS, मेमेंटो होता है जनरली, ठीक है। MEMENTO, नॉसियस NAUSEOUS, नेसेसरी ओकेजन। देखो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन चांसेस है। OCCASION, वैसे पता है सबको, मैक्सिमम लोग आते ही हो, बट स्टिल। अकर्ड OCCURREDA, ठीक है। अकर अलग होता है, जब ईडी आएगा तो डबल आर आएगा। पैरेलल, पेविलियन, परसीवरेंस, इसमें कन्फ्यूजन चांसेस हो सकते हैं काफी लोगों के, ठीक है। ये सही है। फिलीपींस, प्ले राइट, WRIGST, प्रिविलेज, पब्लिकली, इजी है। क्वेश्चन एयर में कन्फ्यूजन हो सकता है, डबल एन है, ठीक है, ए खाली एन नहीं है। रिसीव इजी है काफी, ई आई होता है, बट जल्दीबाजी में आई मत कर देना, ठीक है। रिकमेंड, रेजिस्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन है, रिदम, RHY, ठीक है। सेक्रिलिजियस, SACRILEGIOUS, सीज, सेंस, ये तो बहुत इजी है। खैर ये तो नहीं आएगा इतना, वैसा सब समझ जाएंगे। बाकी सेपरेट, शेड्यूल, स्ट्रेंथ, सक्सेंट, SUCC, ठीक है, INCT, सुपर सीड, टैटू, TADOO, ठीक है, TADOO दोनों है। टेंडेंसी, थ्रेशहोल्ड, टॉलरेंस, काफी आपको आते भी होंगे। ट्रूली, अननेसेसरी, SSS, ठीक है। अब जल्दीबाजी में आप, ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं होगा, आपको आता होगा, जल्दीबाजी में आप गलत मार्क कर सकते हो, ठीक है। अननेसेसरी, अनफॉरसीन, अनटिल, वैक्यूम, VACCW, ठीक है, विशियस, ये वेदर, WHETHER, ठीक है। वेयर एवर, ये इजी है, WHERE, विच, वियर्ड, WEI होता है, आई ये नहीं होता, ठीक है। राइटिंग, यश, YSCHT, ये नहीं होता, ये सही है, YSCHT, ये गलत हो जाएगा। जेलस, ये तो कुछ और ही लिखा हुआ है, कह रहा नहीं। तो ये कुछ 100 वर्ड्स है, बट इसके आगे मेन टफ वाले भी हैं कुछ, वो भी देख लेते हैं एक बार। प्रोनंसिएशन, PRONUNCIATION, NOUN नहीं है, ये होगा। हैंकर चीफ, लोगोरिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होता है, इसका होता है, इज अ टर्म यूज व्हेन एन इंडिविजुअल इज एक्सेसिव एंड इनकोहेरेंट इन टॉकटिवनेस एंड वर्डीनेस। शियारो क्यूरिस्ट, CHIARO, CHIARO, SCURIST, ठीक है। ये टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन आर्टिस्ट हु स्पेशलाइजेस इन शेरस यूरो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट एंड डार्क एंड इट्स इफेक्ट ऑन कंपोजिशन। तो ये मीनिंग भी पढ़ लो। पोशेमियुका, ये रशियन टर्म है, ठीक है, POCHEMUCHK, ठीक है। मतलब ये बेसिकली इसका मीनिंग होता है, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है जनरली चाइल्ड के लिए, ये रशियन वर्ड है, ठीक है। कई बार इसमें बहुत अजीब टाइप की चीजें दे देता है, ठीक है। गोबल टे गुक, GOBBLEDEGOO, इनकॉन्ग्रेंट बैबलिंग इन ए फैशन दैट मेक्स नो सेंस अमाउंटिंग टू रैंडम वर्ड्स एंड नॉइजेस टू योर लिसनर्स, ठीक है। तो ये है, बाकी ये थोड़ा कॉमन है। ऑन्टरप्रेन्योर, ENTRE, काफी लोग TER कर देते हैं, फिर PRENEUR, ये। बाकी डायरिया, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे दो स्पेलिंग है, DIARRHEA और RRHOEA, ये आपका अमेरिकन इंग्लिश है और ये आपका ब्रिटिश इंग्लिश है, तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। बाकी अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में पढ़ लेना, हम लोग के चैनल पर एक वीडियो है उसमें, ठीक है। कॉन्वलसेंस, CONVALESCENCE, ये। तो कहते हो ये वर्ड, ये वीडियो को 2 बार कम से कम देखना, इसे मैक्सिमम वर्ड्स आपको पता ही, कॉमन थे, बट स्टिल वहां कन्फ्यूजन बहुत होता है जब 4 ऑप्शंस रहते हैं। मेन चीज वही है, अकेले लिखा रहेगा तो आपको बता दो स्पेलिंग, पर 4 ऑप्शन होंगे तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊँ, ठीक है। तो ये बेसिकली कर लेना कवर, आई गेस वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी कहते एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अगर प्रिपरेशन करनी है, देन यू कैन चेक आउट द स्नैप का मिनी क्रैश कोर्स, एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल एंड एक्सट्रीमली क्यूरेटेड कोर्स है, प्रॉपर शेड्यूल, लगातार लाइव क्लासेस चल रही है, वहां पे हम लोग रिविजन करा रहे हैं, ठीक है। अच्छे राइटिंग क्वेश्चन टाइप जो एग्जाम दे सकता है, और ये आपके लिए हेल्पफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि गाइस इसमें कम टाइम में ज्यादा वैरायटी को गो थ्रू करनी है। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे आपको, जो आपकी वीक एरियाज है वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो,
किसी के पास 8 से 10 दिन का टाइम भी है, वो भी गेम चेंजर कर सकता है। कंडीशन ये है कि आपको जैसे बोला जा रहा है एग्जैक्टली वैसे पढ़ना, कम टाइम में ज्यादा वैरायटी गो थ्रू करनी होगी, बिकॉज स्नैप ऐसा एग्जाम है जो अर्थमेटिक से लेंदी क्वेश्चन दे देगा एंड बाकी टॉपिक से इजी क्वेश्चन दे देगा। तो ये गाइस अर्थमेटिक कितना भी कर लो प्रैक्टिस आप, अगर 5-6 लाइन का क्वेश्चन आ गया तो मैं भी वहां पे आप नहीं कर पाओ, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि बाकी चैप्टर्स को अच्छे से करो, नंबर्स, ज्योमेट्री, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, मॉडर्न मैथ्स वगैरह, ठीक है। तो अच्छे से अगर यूटिलाइज करोगे, प्रॉपर टाइम दोगे, डेफिनेटली बहुत गेम चेंज हो सकता है, ठीक है। इसमें मॉक्स भी इंक्लूडेड है 1699, तो किसी के पास 10 दिन का भी टाइम है और दिन का 4 से 5 घंटा दे दे तो अच्छा हो सकता है, ठीक है। बाकी इसमें मॉक्स इंक्लूडेड है, आराम से मॉक्स प्रैक्टिस करें, मॉक्स काफी रिलेवेंट है इसके। तो गाइस यहाँ पे बैच जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। बैच स्टार्ट होगा 28 से, बट क्योंकि आपको मेनली रिकॉर्डिंग से गो थ्रू करनी है कम टाइम में, ठीक है, तो कभी भी आप लो, बट कंडीशन है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो वो देखना। बाकी एनमैट अगर दे रहे हो तो एनमैट का भी देख सकते हो, एनमैट इसमें पर कंटेंट वाइज सबको सेम है, बस मॉक्स अलग है, ठीक है। इसमें आप स्टार्ट कर सकते हो पीएनसी प्रोबेबिलिटी से, क्रिटिकल रीजनिंग कर सकते हो, तो वो चीज है, ठीक है। एनमैट इसमें आपका मिनी क्रैश कोर्स कॉम्बो पैक 2399 है इंक्लूडिंग मॉक्स। मॉक्स हम लोग के ही 1600 के हैं, तो प्राइसिंग तो एक्चुअली कुछ है ही नहीं, ठीक है, वो चीज है। बाकी गाइस काफी अच्छे रिव्यूज हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है गाइस आप यूज कैसे कर रहे हो, ठीक है। अब काफी लोग क्या करते हैं, कोर्स ले लेते हैं, अगर पढ़ोगे नहीं तो डेफिनेटली नहीं आएंगे नंबर, ठीक है। और वही चीज है, काफी लोगों का तरीका गलत होता है, काफी लोग कोर्स लेते हैं बट गलत तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, मानते नहीं है बात फैकल्टी की, इसलिए दिक्कत आती है उनको बाद में, तो वो गलती मत करना। बाकी हम लोग का बैच 2 16 नवंबर से स्टार्ट है, ठीक है, हो चुका है मतलब। और सीमैट कोर्सेज काफी इकोनॉमिकल डिटेल्ड है, ये कंप्लीट कोर्सेज हैं, दीज आर नॉट द क्रैश कोर्सेज। सब में अराउंड 1000 का डिस्काउंट हो गया है, ठीक है, कॉम्बो पैक से 500 डिस्काउंट हो गया है। तो अगर आपको इंक्वायर करना है उसके बारे में सीमैट SRCCD, तो आप कर सकते हो। बस ना निकलने का एक ही रीजन होगा, जैसे बोला जा रहा है एग्जैक्टली वैसे नहीं पढ़ोगे, अगर जैसे बोला जा रहा है वैसे पढ़ोगे आराम से एग्जाम निकल जाएगा। ये रिव्यूज एंड रिजल्ट्स यू कैन चेक आउट। वैसे नंबर यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो कोई डाउट हो तो, बाकी mockzone.in में जाओगे स्लैश स्नैप तो आपको फ्री मॉक दिख जाएगा एक। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।